नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, लालपुर गांव में तीन भाई गजेंद्र, राजेंद्र और सुरेंद्र रहते थे। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो आपस में लड़ते रहते थे। उनके पिता की मृत्यु जब वे छोटे थे तभी हो गई थी। वह तीनों अपनी माँ के साथ रहते थे। वे अपनी माँ की खेती में मदद करते थे और अपने घर का गुजारा चलाते थे। एक दिन उनकी माँ बहुत बीमार हो गई। उनकी माँ ने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा कि मैं शायद अब ज्यादा समय तक जिंदा न रह सकूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, क्या तुम उसको पूरा करोगे? तीनों भाइयों ने माँ की इच्छा के बारे में पूछा। माँ ने बोला, मैं यह चाहती हूँ कि तुम सब एक बड़ा घर बनाओ और साथ में रहो, तुम सब खूब तरक्की करो। उनकी यह बात सुनकर गजेंद्र ने बोला कि ठीक है माँ, हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, लेकिन तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। इसके बाद वह बाहर चले गए। बाहर जाकर राजेंद्र गजेंद्र से बोला कि तुमने माँ से यह क्यों बोला कि हम साथ रहेंगे? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। सुरेंद्र भी बोला, मैं भी तुम दोनों के साथ नहीं रहने वाला, तुमको माँ को सच बोलना चाहिए था। कुछ दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्हें सोचा, माँ की आखिरी इच्छा थी अच्छा बड़ा घर बनाने की। तीनों भाइयों ने जो भी पैसा था उसको तीन भागों में आपस में बांट लिया। इसके बाद तीनों अपना अपना घर बनाने के लिए चल पड़े। राजेंद्र ने सोचा कि वह बांस और फूस का घर बनाएगा और बाकी पैसों का कुछ सामान खरीद लेगा। उसने ऐसा ही किया। वह जाकर बांस और फूस ले आया और अपना घर बनाने लगा। दूसरा भाई सुरेंद्र ने अपना घर लकड़ियों से बनाने की सोची। वह जाकर लकड़ियां ले आया और अपना घर बनाने लगा। तीसरे भाई गजेंद्र ने अपना घर पत्थर का बनाने की सोची। वह जाकर पत्थर और सीमेंट ले आया, लेकिन उसके सारे पैसे खत्म हो गए। फिर उसने कुछ समय खेत में काम करके पैसे कमाए, जिससे वह बाकी सामान भी ले आया। इसके बाद उसने खुद घर बनाना शुरू किया और कुछ महीनों में उसका घर बनकर तैयार हो गया और वह इससे बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ा तूफान आया, जिससे राजेंद्र और सुरेंद्र के घर नष्ट हो गए। दोनों भागे भागे गजेंद्र के घर आए और शरण ली। वह दोनों बहुत शर्मिंदा थे।